न्यूज इंडिया। सबसे पहले फास्ट न्यूज इंडिया की तरफ से अभिनेत्री श्रीदेवी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आइए अब नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। सिकंदरपुर बलिया नवा नगर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत बगुड़ी के प्रधान पद के चुनाव में मतगणना के बाद सुशीला देवी निर्वाचित घोषित की गयी। उन्होंने अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी गीता देवी को 46 मतों से हराया। आरओएई जल निगम नीरज कुमार ने बताया कि मतगणना के दौरान 32 मत अवैध पाए गए, बाकी बचे 1124 मतों में से निर्वाचित सुशीला देवी को 585 व गीता देवी को 539 मत प्राप्त हुआ। इस दौरान संतोष जायसवाल उर्फ दिलीप श्रीवास्तव, अमरजीत कनौजिया, पूर्व प्रधान जमील खान, शिव मंगल वर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। 2.5 सालों में ऐसा कौन सा विकास करेंगे जो जनता के हित में होगा, या जनता सब बताना चाहेंगे कौन से विकास की बात करेंगे आप? विकास हम यही करेंगे कि जो नाली खाली है, जिसका आवास नहीं है उसको आवास देना है, तमाम है। लखनऊ पीजीआई थाने पर तैनात दरोगा संकिता प्रसाद को एंटी करप्शन टीम ने 3,000 रूपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। आपको बता दें कि 28 फरवरी को संकिता प्रसाद को होना था सेवानिवृत्त। सोनभद्र रेणुपुर क्षेत्र के मुर्दवा में स्थित भिखारी भोले सेवा ट्रस्ट द्वारा राधा कृष्ण मंदिर परिसर में 123 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक विनोद कुमार मौर्य व जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय शामिल हुए। इस दौरान दो दिव्यांग जोड़े भी परिणय सूत्र में बंधे। इस कार्यक्रम में विवाहित जोड़ों को काफी सम्मान भी उपहार में मिले। मीडिया से बातचीत करते रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक प्रमोद मौर्य, मेरा तो ये मन करता है कि कम से कम ऐसा अनिवार्य हो जाना चाहिए कि दो से कम की शादियां हो ही ना, उससे भी बहुत सारा चीजें अच्छी हो सकती है। तो किसी रूप में ये सामाजिक रूप से तो चल रहा है, इसको सरकार बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है। सोनभद्र के जिलाधिकारी प्रमोद कुमार उपाध्याय ने भी मीडिया से बात की। जोड़ों शादी वही है जिसमें पंडित जी का सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, उसका प्लस भिखारी बाबा से उन्होंने मीडिया से वार्तालाप करते भिखारी बाबा। भिखारी बाबा जो आज गरीब 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 कहा जा रहा है, अनाथ कहा जा रहा है, निर्धन कहा जा रहा है, समानता का भाव लाने के लिए सबके बीच में ऐसा कार्यक्रम करा करके सब लोग के अंदर जागृत हो कि जो अनर्गल खर्च हो रहा है वह जो हमारे पिछड़े वर्ग के हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम लगाया जाए, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए लगाया जाए, कपड़े के लिए लगाया जाए, उनके खाने पीने रोजी रोटी की सवाल है इसके लिए। आगरा में कस्बा इरादत नगर के पास रहलई रोड पर बने लीला विलास कोल्ड स्टोरेज में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर आग पर थोड़ा काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कोल्ड स्टोरेज में कई गाड़ी रखा हुआ आलू का बारदाना जलकर राख हो चुका था। मौके पर कई अधिकारी भी पहुंचे। आगरा में ताज महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया गया रंगारंग कार्यक्रम। आगरा ताज महोत्सव कमेटी के तत्वाधान में सूर्य सदन प्रेक्षागृह में नास्क ग्रुप ने डॉक्टर शंकर के द्वारा लिखित फंदी नाटक का शुभारंभ किया, जिसमें सभी कलाकारों ने अपना अपना हुनर दिखाया। अब यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सालाना उर्स मेले के मौके पर रानीगंज रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का जायजा लेने पहुंची फास्ट न्यूज इंडिया की टीम। रानीगंज रेलवे स्टेशन मास्टर मनोज कुमार सिंह ने वार्ता के दौरान बताया कि पीर बाबा के मेले के अवसर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि पीर बाबा का मेला देखने व मजार पर चादर चढ़ाने वाले लोग बंगाल, झारखंड, बिहार, नेपाल के साथ साथ अन्य राज्यों से भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते हैं। स्वाभाविक है, यहाँ मेला में सफाई और सुरक्षा विशेष व्यवस्था हमने करी है। बाहर से भी पुलिस मंगाया हमने और कुछ सफाई कर्मी भी बाहर से मंगाए हैं, हायर करके मंगाए, ताकि साफ सफाई और सुरक्षा का पूरा सा पूरा ख्याल रखा जा सके। देश में पहली बार बहुत कम समय में पहचान बना चुकी फास्ट न्यूज इंडिया के राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका अब पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशनों पर भी उपलब्ध। इसकी शुरुआत रानीगंज रेलवे स्टेशन पर स्थित बुक स्टॉल से हो चुकी है। जो पाठक फास्ट न्यूज इंडिया की मासिक पत्रिका को लेना चाहे वे अब ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल रानीगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 41वीं मन की बात सुनते हुए रानीगंज शहर के भाजपा अध्यक्ष शमशेर सिंह, महासचिव मदन त्रिवेदी, उपाध्यक्ष राजेश मंडल,
जिला आईटी सेल कन्वेनर संदीप गोप, सचिव संतोष राय, माइनॉरिटी मोर्चा के सभी रूल खान एवं अन्य। सूरत में रन फॉर न्यू इंडिया का आयोजन रखा गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आकर लोगों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं। वाराणसी में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन सारनाथ क्षेत्र स्थित अनाथ आश्रम में शवाना आस्था के नेतृत्व में सामाजिक संस्था एक कदम और की ओर से किया गया, जिसमें भाजपा नेत्री व सामाजिक कार्यकर्त्री श्रीमती नेत्रा जायसवाल ने पिचकारी, खिलौने, मिठाई व अन्य जरूरी सामानों के साथ वहां मौजूद बच्चों में वितरित कर होली पर्व को मनाया। अनाथ आश्रम में शामिल बच्चों के साथ होली का पर्व मनाती भाजपा नेत्री व सामाजिक कार्यकर्त्री श्रीमती नेत्रा जायसवाल। इस दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करती भाजपा नेत्री व सामाजिक कार्यकर्त्री श्रीमती नेत्रा जायसवाल जी, परिचय बताएं। मेरा नाम नेत्रा जायसवाल है, मैं एक टीचर हूं और सोशलिस्ट भी हूं। ये आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया गया है? आज जो हमने ये कार्यक्रम आयोजन किया है, ये डेयर शेल्टर होम के नाम से सारनाथ में है, जिसमें अनाथ और असहाय बच्चों को रखा जाता है। सिस्टर मंजू उनकी सेवा करती हैं, उनको अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो हम लोग इन्हीं के साथ होली सेलिब्रेशन में, जिसमें हमने पिचकारी, उनके ज़रूरतमंद चीज़ों के, ज़रूरतमंद की चीज़ें और कलर्स और मिठाइयाँ, बहुत सारी चीजें हम लेके आए थे और उनमें वितरण करके हमने होली मनाई। आज खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, आगे देखते रहिए फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।